बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्बल क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स, वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस की शुरुआत व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी से की जाती है। डियर लर्नर्स, वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब यानी एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, मे, कैन, कोड, वोट वगैरह से की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है और जब हेल्पिंग वर्ब से जुमले की शुरुआत की जाती है, डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, जब जुमले की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के मानी क्या के होते हैं, कीप इट इन योर माइंड। जैसा कि व्हाट के मानी भी क्या के होते हैं, व्हाट के मानी भी क्या के होते हैं, और जब वर्बल क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब की जब वर्बल क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं तो तमाम हेल्पिंग वर्ब के मानी क्या के होते हैं, कीप इट इन योर माइंड, और व्हाट के मानी भी क्या के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए मिसालों के जरिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या के मानी में किस तरह किया जाता है और व्हाट यानी क्या, व्हाट का इस्तेमाल क्या के मानी में कब और किस तरह किया जाता है, स्पेशली ये समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स लिसन टू मी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर लर्नर्स, क्या यानी व्हाट, क्या यानी व्हाट, व्हाट यानी क्या, और हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, इनके मानी भी जब ये वर्बल क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं शुरू में तो इनके मानी भी क्या के होते हैं। आइए उम्दा मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स देखिए, क्या ये दरवाजा है, क्या ये दरवाजा है, और दूसरा सेंटेंस देखिए, ये क्या है, ये क्या है। तो जब क्या अगर शुरू में इस्तेमाल हो, क्या अगर शुरू में इस्तेमाल हो तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या अगर जुमले के क्या से अगर जुमला शुरू ना हो तो वहां पर व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जुमले की शुरुआत क्या से की जा रही है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर क्या बाद में इस्तेमाल किया गया इसलिए यहां पर व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करें। क्या ये दरवाजा है, इज दिस अ डोर, इज दिस अ डोर। डियर स्टूडेंट्स, इज दिस अ डोर, क्या ये दरवाजा है, इज दिस अ डोर, क्या ये दरवाजा है। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या आप हॉकी खेलते, क्या क्या आप हॉकी खेलते हैं। यहां पर क्या जो है तो शुरू में इस्तेमाल किया गया इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप क्या खेलते हैं तो यहां पर व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा।
क्या आप हॉकी खेलते हैं? डू यू प्ले हॉकी? डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं? इसलिए डू के माने यहां क्या के हुए, इज के माने यहां क्या के हुए। और ये देखिए, आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल जाती है। डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वो क्या करती है। व्हाट डज शी डू। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या उसने इंग्लिश सीखा, क्या उसने इंग्लिश सीखा। डियर स्टूडेंट देखिए, डिड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश सीखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसने क्या सीखा। व्हाट डिड शी लर्न, उसने क्या सीखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आप यहां आएंगे। विल यू कम हेयर, क्या आप यहां आएंगे। आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। डियर लर्नर्स, लिसन टू मी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब के माने क्या के होते हैं। देखिए, ये इज दिस अ डोर, क्या ये डोर है। डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। डिड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश सीखा। विल यू कम हेयर, क्या आप यहां आएंगे। डियर लर्नर्स, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड, ये बात जहन में रखिए कि वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत जुमले की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब के माने क्या के होते हैं और व्हाट के माने भी क्या के होते हैं। इनका इस्तेमाल लेकिन अलग अलग होता है, ये हमने समझने की कोशिश किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा सवालात पूछने की कोशिश कीजिए। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर ग्रैंडफादर्स नेम, व्हाट्स योर ग्रैंडमदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर अंकल्स नेम, व्हाट्स योर क्लास टीचर्स नेम, व्हाट्स योर हेडमास्टर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉज नेम, व्हाट्स योर सन इन लॉज नेम, व्हाट्स योर फादर इन लॉज नेम, व्हाट्स योर मदर इन लॉज नेम, व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम। डियर स्टूडेंट, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन दिस वे। आप पूछे कोई, क्या आप वहां जाएंगे। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप वहां जाएंगे, विल यू गो देयर, आप कहां जाएंगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, क्या आप
क्या आप यहाँ आएंगे? Will you come here? यहाँ कौन आएगा? Who will come here? यहाँ कौन आएगा? Who all will come here? क्या आप यहाँ आ रहे हैं? Are you coming here? यहाँ कौन आ रहा है? Who is coming here? यहाँ कौन आ रहा है? Who all is coming here? Who all is coming here? क्या आप आ गए हैं? Have you come? क्या वो वहाँ आ गए हैं? Has he come there? क्या वो वहाँ आ गया है? क्या वो वहाँ से चले गए हैं? Has he gone from there? क्या वो वहाँ से चला गया है? Has he gone from there? क्या मैं कल आपसे मिलूं? Shall I meet you tomorrow? क्या तुम कल मुझसे मिलेंगे? Will you meet me tomorrow? क्या हम वहाँ चलें? Shall we go there? क्या ये रूम आपके लिए साफ कर दूं? Shall I clean this room for you? क्या मैं आपको स्टेशन पर लेने आऊं? Shall I come to receive you at the station? क्या आप सच कह रहे हैं? Are you telling the truth? क्या आपने ये सुना? Have you heard this? क्या आपने रामू को कहीं देखा है? Have you seen Ramu anywhere? क्या आपने ऐसी सिचुएशन को पहले कभी संभाला है? Have you handled such a situation before? क्या आप आएंगे? Will you come? आपने उसे क्या बताया? What did you tell her? आप फिर कब आएंगे? When will you come again? आपको मेरा मैसेज कब मिला? When did you get my message? आप एक दूसरे से पहले कब मिले? When did you meet each other first? इसे इस तरह भी कह सकते हैं। When did you first meet each
अदर When did you first meet each other? When did you first meet each other? आप स्कूल कैसे जाते हो? आप स्कूल कैसे जाते हो? How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? आपके वालिद अब कैसे हैं? आपके वालिद अब कैसे हैं? How is your father feeling now? How is your father feeling now? How is your father now? आप ये कैसा करेंगे? आप ये कैसा करेंगे? How will you do this? How will you do this? How will you do this? आप कर्ज में कैसे फंस गए? आप कर्ज में कैसे फंस गए? How did she get into debt? How did you get into debt? How did you get into debt? आपको ये कैसे मालूम हुआ? आपको ये कैसे मालूम हुआ? आपको ये कैसे मालूम हुआ? How did you know this? How did you know this? How did you know this? आपको कैसे अंदाजा हुआ? आपको कैसे अंदाजा हुआ? How did you guess? How did you guess? How did you guess? क्या हम यहाँ बैठ जाएं? क्या हम यहाँ बैठ जाएं? Shall we sit there? Shall we sit here? Shall we sit here? क्या हम यहाँ बैठ जाएं? क्या अब हम रुक जाएं? क्या अब हम रुक जाएं? Shall we stop now? Shall we stop now? Shall we stop now? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Do you think so? Do you think so? Do you think so? क्या आपको मेरा मैसेज मिला? क्या आपको मेरा मैसेज मिला? Did you get my message? Did you get my message? Did you get my message? क्या आपने कोई आवाज सुनी? क्या आपने कोई आवाज सुनी? Did you hear any sound? Did you hear any sound? Did you hear any sound? उसे क्या पसंद है? उसे क्या पसंद है? उसे क्या पसंद है? What does he like? What does he like? What does he like? आपको क्या पसंद है? पसंद आया? आपको क्या पसंद आया? What did you like? What did you like? What did you like? अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? What will you do now? What will you do now? What will you do now? आप क्या तलाश कर रहे हैं? आप क्या तलाश कर रहे हैं? What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? उसने आपको क्या बताया? उसने आपको क्या बताया? उसने आपको क्या बताया? What did he tell you? What did he tell you? What did he tell you? मेरी चाबियां आपने कहाँ रख दी? मेरी चाबियां आपने कहाँ रख दी? Where have you put my keys? Where have you put my keys? Where have you put my keys? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं? Why do you lie? Why do you lie? Why do you lie? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Why do you think so? Why do you think so? Why do you think so? आप वहाँ क्यों गए थे? आप वहाँ क्यों गए थे? What? Why had you gone there? Why had you gone there? Why had you gone there? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? Who will do this? Who will do this? Who will do this? ये कौन करेगा? मेरी मदद कौन करेगा? मेरी मदद कौन करेगा? Who will help me? Who will help me? Who will help me? वहाँ कौन गया था? वहाँ कौन गया था? Who had gone there? Who had gone there? Who had gone there? आप किसके साथ आए? आप किसके साथ आए? Who did you come with? Who did you come with? Who did you come with? आप किससे बात कर रहे थे? आप किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to? Who were you talking to? Who were you talking to? आप किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to? रेस किसने जीती? रेस किसने जीती? रेस किसने जीती? Who won the race? Who
won the race? Who won the race? आपको मोबाइल कैसे मिला? आपको मोबाइल कैसे मिला? आपको मोबाइल कैसे मिला? How did you find the mobile? How did you find the mobile? How did you find this mobile? आपको ये मोबाइल कैसे मिला? How did you find this mobile? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? वो कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है? Where does she live? वो कहाँ गया? Where did he go? आपको ये कहाँ मिला? Where did you find this? हम कल कहाँ मिलेंगे? Where shall we meet tomorrow? आप कहाँ से है? Where are you from? Where are you from? आप कहाँ से आए? Where did you come from? मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? Where has my mobile gone? Where has my mobile gone? ऐसा कौन सोचेगा? Who will think so? आप किस जमात में पढ़ते हो? Which class do you study in? In which class do you study? आपके लिए कौन सा वक्त मुनासिब होगा? Which time will suit you? मुंबई जाने के लिए ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? On which platform will the train come for Mumbai? हम कौन से होटल जाएंगे? Which hotel shall we go to? आप किस टीम के लिए खेलते हैं? Which team do you play for? आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं? Which company do you work for? आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? Which doctor are you going to? आप कौन सी स्कूल जाते हैं? Which school do you go to? आप किसके नोट्स इस्तेमाल करते हैं? Whose notes do you use? मेरा मोबाइल किसने लिया? मेरा मोबाइल किसने लिया? Who took my mobile? Who took my mobile? ये किसने किया? Who did this? आपको ये किसने बताया? Who told you this? ये लाइट किसने बंद किया? Who turned the light off? Who turned this light off? नल को बहता हुआ किसने छोड़ दिया?
Who left the tap running? Who left the tap running? Who left the tap running? ये चाय किसने गिराया? ये चाय किसने गिराई? Who spilled this tea? Who spilled this tea? दरवाजा खुला किसने छोड़ दिया? Who left the door open? Who left the door open? आपने किससे पूछा? Whom did you ask? आपने किससे पूछा? आपने किससे पूछा था? Whom had you asked? आपने किसकी मदद की? Whom did you help? अब हमें किससे पूछना चाहिए? Whom should we ask now? आपको इम्तिहान में कितने नंबर मिले? What marks did you get in the examination? ये सब जल्दी किस लिए है? What is all this hurry for? ये जल्दी किस लिए है? What is all this hurry for? आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? What do you fear most? What do you fear most? What kind of jobs are you looking for? What time does the class start? What time do you get up? आप कितने बजे उठते हो? How old is this building? ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? How old are you? आपकी उम्र क्या है? हवा किस सिमत चल रही थी? Which way was the wind blowing? आपने ये इम्तिहान कितनी मर्तबा दिया है? How many times have you appeared for this examination? इसे इस तरह भी कह सकते हैं। How many times have you taken the examination? इसकी क्या कीमत है? How much does this cost? इस मोबाइल की क्या कीमत है? How much does this mobile cost? कौन सा लड़का लेट आता है? Which boy comes late? कौन सी लड़की हमेशा लेट आती है? Which girl always comes late? किस कार की कीमत सबसे कम है? Which car costs the least? किस कार ने रेस जीती? Which car won the race?
विच कार वन द रेस। ये स्कूल कितना पुराना है। ये स्कूल कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज दिस स्कूल। हाउ ओल्ड इज दिस स्कूल। ये वाक्या, ये घटना साल में कितनी बार होती है। ये घटना, ये वाक्या साल में कितनी बार होती है। हाउ ऑफन डज दिस इवेंट अक्यूर इन अ ईयर। हाउ ऑफन डज द इवेंट अकर इन अ ईयर। आप मुझे कितनी देर तक इंतजार कराते हो। हाउ लॉन्ग विल यू कीप मी वेटिंग। आप मुझे कितनी देर तक इंतजार करने लगाएंगे। ये मीटिंग कितनी देर चलेगी। ये मीटिंग कितनी देर चलेगी। हाउ विल द मीटिंग लास्ट। कितने दिन की ट्रेनिंग है। हाउ मेनी डेज इज द ट्रेनिंग फॉर। डियर लर्नर्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की दो किस्में हैं, वर्बल टाइप क्वेश्चंस यानी यस नो टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस। आइए मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्बल क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवालात जिनका जवाब यस या नो में, हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। आइए मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स, डू यू लाइक दिस बोर्ड। क्या आपको ये बोर्ड पसंद है, तो आप इस सवाल का जवाब इस तरह दे सकते हैं, नो आई डोंट। या डियर लर्नर्स, यस नो टाइप क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस मीन्स यस नो टाइप क्वेश्चंस, ऐसे सवालात जिनके जवाब हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस बोर्ड, क्या आपको ये बोर्ड पसंद है, तो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, शॉर्ट में भी और कंप्लीट सेंटेंस में भी, नो आई डोंट, नहीं मुझे ये बोर्ड पसंद नहीं है। या इस तरह भी दे सकते हैं, नो आई डोंट लाइक दिस बोर्ड, नहीं मुझे ये बोर्ड पसंद नहीं है। या इस तरह दे सकते हैं आप, यस आई डू, हाँ मुझे ये बोर्ड पसंद है। या इस तरह भी दे सकते हैं, यस आई लाइक दिस बोर्ड, हाँ मुझे ये बोर्ड पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, नो आई कांट, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। या इस तरह दे सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस में, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। या इस तरह दे सकते हैं, यस आई कैन, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। या इस तरह दे सकते हैं जवाब, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन, देखिए डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक आपको क्या पसंद है, इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं, ये बोर्ड मुझे पसंद है। आप इस तरह भी दे सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस में आप जवाब दे सकते हैं, आई लाइक दिस बोर्ड, मुझे ये बोर्ड पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल,
व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बात करते हो, आप क्या बोलते हो। इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अरेबिक, उर्दू, कन्नड़, इस तरह आप दे तो व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हो, आप क्या बात करते हो, आप क्या बोलते हो, तो इंग्लिश आप जवाब दे सकते हैं, या कंप्लीट सेंटेंस में आप जवाब दे सकते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, या आप इस तरह बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, Who is Raju? Who is Raju? Raju कौन है? इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, He is my friend. He is my good friend. इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। Dear learners, ज्यादा से ज्यादा आप जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आप जुमले बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपकी गुफ्तगू में, आपकी कन्वर्सेशन में उतना आपको मजा आएगा। आप बोलिए बुलंद आवाज से कोई सेंटेंस। क्या तुम रोजाना इंग्लिश सीखते हो? अब ये अपन जो है तो ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की प्रैक्टिस करेंगे हम। क्या तुम रोजाना इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश डेली? डू यू लर्न इंग्लिश डेली? डू यू लर्न इंग्लिश डेली? क्या वो रोजाना मश्क करता है? क्या वो रोजाना मश्क करता है? क्या वो रोजाना मश्क करता है? डज ही प्रैक्टिस एवरी डे? डज ही प्रैक्टिस एवरी डे? डज ही प्रैक्टिस एवरी डे? क्या वो रेगुलर स्कूल जाता है? क्या वो रेगुलर स्कूल जाता है? क्या वो रेगुलर स्कूल जाता है? डज शी गो टू स्कूल रेगुलरली? क्या वो रोजाना स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल रेगुलरली? डज शी गो टू स्कूल रेगुलरली? क्या अली दसवीं जमात में पढ़ता है? क्या अली दसवीं जमात में पढ़ता है? डज अली स्टडी इन द टेंथ क्लास? डज अली स्टडी इन द टेंथ क्लास? डज अली स्टडी इन द टेंथ क्लास? क्या आपने नाश्ता बना लिया? क्या आपने नाश्ता बना लिया? Did you prepare breakfast? Did you prepare breakfast? Did you prepare breakfast? क्या उन्होंने ईमानदारी से काम किया? क्या उन्होंने ईमानदारी से काम किया? Did they work honestly? क्या उसने होमवर्क मुकम्मल कर लिया? Did she complete her homework? क्या सचिन ने काम पूरा कर लिया? Did Sachin finish his work? क्या आप इस मामले में मेरी मदद करेंगे? Will you help me in this matter? क्या हम इस साल पिकनिक पर जाएंगे? Shall we go on picnic this year? क्या अब वो अच्छा खेलेगा? Will he play well now? क्या वो वक्त पर आएंगे? Will they come in time? क्या वो सख्त मेहनत कर रही है? Is she working hard? क्या अली स्विमिंग सीख रहा है? Is Ali learning swimming? क्या आप
आप उर्दू सीख रहे हैं? क्या आप उर्दू सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग उर्दू? क्या तुम उसे क्रिकेट खेलने देते हो? डू यू लेट हर प्ले क्रिकेट? क्या आप गीत गाने देते? क्या आप उसे गीत गाने देते? डोंट यू लेट हिम सिंग सॉन्ग? क्या आप उसे गीत नहीं गाने देते? डोंट यू लेट हिम सिंग सॉन्ग? क्या आप इसे काम क्यों करने देते? क्या आप उसे काम क्यों करने देते? Why do you let her work? आप उसे काम क्यों नहीं करने देते? Why don't you let him work? आपको ये पसंद है क्या? Do you like this? उसे ये पसंद है क्या? Does he like this? उसे ये पसंद आया क्या? Did he like this? आपको ये समझा है क्या? Do you understand this? Did you understand this? उसे ये समझा क्या? Does he understand this? Did he understand this? आपको ये समझा है क्या? Did you understand? आपको ऐसा लगता क्या? Do you think so? Dear learners, listen to me carefully and translate into English. Dear learners, are you listening to me attentively? Listen with concentration and translate into English. Dear learners, क्या ये उंगली है? Translate this question into English. क्या ये उंगली है? Is this a finger? क्या ये उंगली है? No, this is not a finger. नहीं, ये फिंगर नहीं है. ये क्या है? Translate this question into English. ये क्या है? What is this? What's this? ये क्या है? This is a thumb. Dear learners, इसी तरह verbal questions और WH type questions कैसे बनाए जाते हैं, उम्दा मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब शॉर्ट में और कंप्लीट सेंटेंस में कैसे दिए जाते हैं मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. डियर लर्नर्स, लिसन टू मी विथ कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट एग्जाम्पल, इज दिस अ विंडो? क्या ये विंडो है? इज दिस अ विंडो? आप इसका आंसर शॉर्ट में इस तरह दे सकते हैं, नो इट इज नॉट, नहीं ये विंडो नहीं है. या कंप्लीट सेंटेंस में आप इस तरह दे सकते हैं, नो इट इज नॉट अ विंडो, नहीं ये विंडो नहीं है. डियर लर्नर्स, आप WH टाइप क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं, What is this? ये क्या है? आप इसको शॉर्ट में आंसर इस तरह दे सकते हैं, A board है. या कंप्लीट सेंटेंस में इस तरह दे सकते हैं, This is a board. Dear learners, both of the answers are absolutely correct. ये जो है तो शॉर्ट आंसर और ये कंप्लीट सेंटेंस में जवाब है. Both of the answers are correct. दोनों तरह से हम जवाब दे सकते हैं.
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। इसका जवाब, इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं तैयार नहीं हूं। या इस तरह दे सकते हैं, नो आई एम नॉट रेडी, नो आई एम नॉट रेडी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, नो आई एम नॉट रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हूं। या आप इस तरह दे सकते हैं, यस आई एम, यस आई एम, हाँ मैं रेडी हूं, हाँ मैं रेडी हूं। या कंप्लीट सेंटेंस में आप इस तरह दे सकते हैं, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी, तैयार हो रहा हूं। या कंप्लीट सेंटेंस में आप इस तरह दे सकते हैं आंसर, जवाब, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी। या आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, नथिंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। या आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। या इस तरह जवाब दे सकते हैं आप, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग नथिंग, या आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, या आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। डियर लर्नर्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए और उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।